इस चैनल की शुरुआत की थी आकाश कुमार फाइनेंस की, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं था यार कि मैं कितने टाइम के बाद में जाके चैनल से बेसिकली पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल पहले मेरा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज हो चुका है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मन में दोस्त ऐसे काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ, गूगल के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ता हूँ, लोगों के आइडियाज भी लेता हूँ कि यार लोग एक्चुअल में क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर के। मेरे पास में काफी टाइम पहले क्वेश्चन दिमाग में खनक रहा था जो कि है दोस्तों कि क्या आप पैसे देकर के खुशियां खरीद सकते हैं। चीज का निवारण करने के लिए या फिर टू गेट द रिजल्ट चाहिए इस चीज का आंसर। मैंने काफी सारे रिसर्च करी है कि आप पैसे देकर के खुशियां खरीद सकते हैं, तो इसके दोस्तों दो आंसर निकल के आते हैं। जब मैं इसके क्वेश्चन बना रहा था तो मैं काफी सारे इसके नोट्स भी बना रहा था, साथ ही साथ एक मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ यार ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये जो है ना ये आपकी समझ में आएगा नहीं, तो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको उसी को समझो। आप लेट्स सपोज दोस्तों आपके पास में 100 रुपए हैं, ठीक है, पास में वो चीज है जो कि आपको खरीदनी है, लेट्स सपोज ये एक डब्बा है जो कि आपको चाहिए जिसकी कीमत 100 रुपए। अब क्योंकि इस चीज को पाने के बाद में आप खुश हो गए यहाँ पे, तो दोस्त ये भी एक तरीके की खुशी हो गई, ठीक है। यस यू कैन बाय हैप्पीनेस विद द मनी, क्योंकि अगर आपके पास में मनी ही नहीं है किसी चीज को खरीदने के लिए, आप मुझे बताओ कि फिर आपकी जो लाइफ है वो मिजरेबल बन जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो सेकेंड आंसर आएगा इस चीज का, जो कि आपने मोस्ट ऑफ लोगों से सुना भी होगा कि मनी कैन बाय हाउस बट इट कैन नॉट बाय होम, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे भी फिर तोड़ निकल के आते हैं। लेट्स सपोज आप घर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यू वांट टू बाय अ होम, ठीक है, आपने देखा आपके एरिया में एक अच्छा सा पोर्श घर है जो कि आपको खरीदना है और आपने उसको खरीद भी लिया। अब दोस्त मुझे एक बात बताओ, किसी किसी की जो सिचुएशन होती है, लेट सपोज किसी को वो घर खरीदने पे ही खुशी हो जाएगी, सेम ऑन द अदर साइड अगर मैं इस चीज के बारे में बात बताऊं, लेट सपोज वो घर 1 करोड़ रुपए का था और आपने 1 करोड़ रुपए दे के ही उस चीज को खरीदा, 1 करोड़ रुपए दे के घर खरीद लिया, अपने नाम करा लिया उस चीज को, लेकिन बावजूद उसके खरीदने के बावजूद भी आप उस घर से ही खुश नहीं है, बोल रहे नहीं यार इस घर को मैंने खरीद तो लिया है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लेकिन फिर भी दोस्त वहां पे पैसा तो इन्वॉल्वमेंट रख रहा था ना, 1 करोड़ रुपए चुकाया उस चीज को खरीदने के लिए, यू आर स्टिल अनहैप्पी। सो दोस्त ये जो चीज है, ये जो क्वेश्चन है, ये खुद में ही एक पैराडॉक्स बना हुआ है। आप पैसे से ये नहीं खरीद सकते, खुशियां नहीं खरीद सकते। दोस्त एक चीज बताना चाहता हूं आप सभी को, 2024 में पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लिटरली। यस लिटरली मैं कहना चाहता हूं। आप बोलोगे कि ये है तेरी रिसर्च, तो यस दोस्त मेरी रिसर्च बिल्कुल डिफाइन और बिल्कुल एकदम ऐसी होती है कि जो सटीक होती है, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। रिसर्च हमेशा ऐसी होती है, मैं हमेशा बनाने की कोशिश से करता हूँ कि भाई सामने वाले को सुन के मजा आ जाए। सो दोस्त पैसा कैन बाय यू ए हैप्पीनेस, लेकिन खुशी को बेसिकली अपनाने के लिए आपके साथ में कोई ना कोई तो होना चाहिए। आप अकेले में किसी भी चीज को देखेगा, अकेले में आपको कोई भी चीज मजा नहीं देगी, भले ही वो कितनी एक्सपेंसिव हो। लेकिन लोगों की नजरों में ऐसा लगा कि यार नहीं यार ये लड़का तो अकेला रहता है, इसके पास में $1 million है, बुगाटी खड़ी हुई है, लंबोर्गिनी भाई के पीछे है, ठीक है, जी वैगन में चलता है, जिम जाता है तो फरारी लेके जाता है, जॉगिंग करने जाता है तो भाई अपना ये BMW लेके जाता है। भले ही आपके सामने ये सब कुछ हो, लोगों की नजर में भी ऐसा हो कि यार यार मेरी लाइफ होती तो काश इसकी तरह होती है, तो करते ही है वे लोग, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अकेले खुशी का ही मतलब नहीं है, दैट्स इट। मेरा एक रिसर्च थी, ये मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया था, जो मैं YouTube के ऊपर गया, लोगों ने तो बकवास पेल रखी है भाई, YouTube पे बहुत बकवास पेलते भाई YouTube में। मेरे दोस्त आपको बस एक ही चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अकेले अपने आप में कोई भी चीज आपको सेटिस्फाई ही नहीं कर सकती। ये एक मेरा साइकोलॉजिकल थिंक हो गई और ये मेरी एक मटेरियलिज्म थिंक हो गई। मटेरियलिज्म थिंक पाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और माइंडसेट की जो चीजें होती हैं उसको पाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको पैसे की ही जरूरत पड़ेगी। किसी के पास में टाइम नहीं भाई आपको समझाए वो चीज, अगर आप उससे सीखना चाहते हैं तो फिर भी आपको पैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है, वो बात अलग है। पैसा दे करके आपने उस चीज को लिया अपने अंदर, ठीक है, और उस चीज का इस्तेमाल आप क्या कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो खुशी तो दोस्तों हर एक चीज में है, लेकिन बस आपको ये देखना चाहिए कि यार मैं उस चीज को कैसे पा सकता हूं। दरअसल इस चीज में मत घुसो कि भाई पैसे से आप ये नहीं खरीद सकते। भाई मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं पैसे के दम पे तेरे बाप से अपने घर का टॉयलेट साफ करा दूंगा, पैसे के दम पे। मेरे पास में पैसा है 1 लाख रुपए, तेरे बाप को दूंगा, तेरा बाप आएगा मेरे घर में लैटरिंग साफ करके चले जाएगा सिर्फ 10-20 मिनट के लिए। तो पैसे से दोस्त मैं लिटरली कुछ भी खरीद सकता हूँ, इस चीज को ध्यान रख लो तुम, लिटरली कह रहा हूँ मैं। एक्सेप्शन भी है इस चीज में, पूरा अगर ये समझना है तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस को नहीं बनाना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि इस पैराडॉक्स में मत घुसो, अपने आप को इस पैराडॉक्स में मत इन्वॉल्व करो,
सिर्फ ये देखो कि यार मैं उस चीज़ को पाना चाहता हूँ और उस चीज़ को पाने के बाद में मुझे खुशी मिलेगी, तो उस खुशी को पाने के लिए मुझे अर्न करना पड़ेगा, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मुझे जो भी करना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा या फिर काम करना पड़ेगा, कुछ भी उसको मैं करके और उस चीज़ को मैं पालूंगा, एंड आफ्टर गेटिंग दिस थिंग आई विल बी हैप्पी। तो हैप्पीनेस की तो कुछ डेफिनेशन मुझे लगता नहीं कि ये नहीं है भाई। किसी के लिए एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा 10 साल का बच्चा है, उसके लिए दोस्तों खुशी के मायने कुछ अलग हो सकते हैं, आपके लिए खुशी के मायने कुछ अलग हो सकते हैं, बुढ़े के लिए खुशी के मायने कुछ अलग हो सकते हैं। एक छोटा 10 साल का बच्चा अगर साइकिल ले लेता है और साइकिल लेने के बाद में उसको खुशी मिल जाती है कि यस भाई मैं तो फुलफिल हो गया हूँ, मेरे पास में एक साइकिल हो चुकी है, सो उसके लिए खुशी वो हो गई। मेरे लिए खुशी का मतलब ये हो जाएगा एट दिस एज कि मुझे लैम्बोर्गिनी में घूमना है, तो दोस्त वो मेरे लिए खुशी हो जाएगी। दोस्त हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको पे तो करना पड़ेगा, चाहे आप मेंटल तरीके से करें, चाहे आप फिजिकल तरीके से करें, चाहे आप पैसे के दम पे करें, कुछ भी, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। इवन तो अगर आप सोचेंगे नहीं भाई मेरे को सांस में ले रहा हूँ, सांस भी तो मुझे फ्री में मिली, नहीं दोस्त सांस भी आपको फ्री में नहीं मिल रही, उसके मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले आपको सांस छोड़नी पड़ती है। क्या बोला मैंने? सांस लेने के लिए भी सांस तुम्हें पहले छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पहले तुम्हें देना पड़ता है, देन यू विल बी एबल टू गेट समथिंग। फर्स्ट यू एक्सहेल, देन यू विल इनहेल। इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व मत हो यार, ये एक रत्ती क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। पैसे से मैं घर नहीं खरीद सकता, इलोन मस्क की बेटी को देखो उसने आपको, भाई वो उनका अलग सिचुएशन है। एक जुग्गे झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को अगर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, तो वो अपने लिए फ्रिज खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, वो उड़ा देगा, मुझे पता है वो 10 मिनट में खत्म कर दे उस पैसे को, लेकिन खुशी आएगी उसके पास में। माइंड सेट अलग है, इलोन मस्क का माइंड सेट अलग है, उसकी बेटी का माइंड सेट अलग है। ये क्या बात होती है कि यार कोई जो अमीर होगा उसके पास में पैसे तो होंगे लेकिन उसके पास में खुशी नहीं होगी। मैं ऐसे ऐसे अमीर दिखा दूंगा आपको जो कि इतनी खुशी लेके बैठे हुए हैं और इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं कि उनको कुछ और चीज़ करने का ही मन नहीं करता है, उनको बस वहीं पे इन्वॉल्व होके ही मजा आता है, दैट्स इट। और फिर भी अपना प्रोडक्ट आपको बेचते हैं, आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे कि अरे नहीं ये तो हमें बिगाड़ देगा ये वो, भाई ये उनका माइंड सेट बहुत अलग है मेरे दोस्त। सिर्फ इलोन मस्क ही है क्या रिच पूरे हिंदुस्तान पूरे संसार में? सिर्फ इलोन मस्क है रिच, उससे नीचे के भी तो तबके हैं जो कि अपने आप को रिच कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, जो रिच कैटेगरी में फॉल करते हैं एक्चुअल में। क्या वे खुश नहीं है? क्या मुकेश अंबानी खुश नहीं है? बेटे भी उनकी कंपनी को ग्रो करने में लगे हुए। हर एक चीज में दोस्त सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बोला। लेकिन अगर आपको खुशी पानी है तो उसके लिए फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे को देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप करना नहीं चाहते हैं, दैट्स वाई आप इस जोन में फंसे हुए कि यार पैसा मुझे खुशी दिला सकता है। खुशी तो भाई साहब दिल से निकलती है, ये वो। तो मैंने कब कहा कि खुशी दिल से नहीं निकलती है? मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना कि भाई एक 10 साल का बच्चा है, उसने साइकिल पाली, तो भाई वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि यस भाई मुझे मिल चुका है, तो उसके दिल से ही तो निकली होगी ना वो खुशी भी। ये था दोस्त पूरा मतलब वीडियो में समझाने का आपको। अगर आप समझ चुके होंगे तो ओके मेरे दोस्त, अब आप काम करने पर ध्यान दें, और अगर आप नहीं समझे होंगे मेरे दोस्त तो फिर दोस्त आप इसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते रहें, और कोई ना कोई पैसा कमा लेगा, कोई ना कोई उस चीज़ को पा लेगा, कोई ना कोई खुश हो जाएगा उस चीज़ से, खुशी मिल जाएगी उसको और आपको नहीं मिल पाएगी। खुशी किसी भी चीज़ में मिल सकती है आपको, बस उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत पड़ती है। आइसक्रीम खा रहे हो, खुशी मिल रही है, दैट्स इट। पैसे दिए आपने पहले, उसके बाद उसने आपको आइसक्रीम दिया। आपने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा, सबसे पहले आपने अपना नेट खर्च किया मेरे लिए, उसके बाद आपको YouTube का वीडियो देखने को मिला, तो दोस्त सबसे पहले आपको पे करना होता है। यहां तक कि दोस्त आप सांस भी फ्री में नहीं ले रहे, मैंने आपको बोल दी ये चीज कि सांस लेने के लिए भी पहले आपको सांस छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो दोस्त आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और बताऊंगा आपको कि उसके ऊपर आपका कैसा थॉट बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।